हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर डिफरेंट वर्कशीट्स की वीडियोस एंड क्रिएटिव जो वर्किंग मॉडल होते हैं हमारे, उनके वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट की बनाती रहती हूँ और अपलोड करती हूँ। सो आज भी मैं इसी तरह की कुछ क्रिएटिव वर्कशीट लेकर आई हूँ जो कि हमारी इंग्लिश टॉपिक के ऊपर है और हमारा टॉपिक होगा हेल्पिंग वर्ब इज एम एंड आर। ये कि जो बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, सो इसको भी मैं बहुत क्रिएटिव वे में आज आपके सामने लाई हूँ कि जिस तरह से बच्चे बिल्कुल बोर ना हो और इंटरेस्ट के साथ फिर पढ़ें। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो वर्कशीट है उसमें हम बच्चों को मीनिंग समझाते हैं सिर्फ कि इज़ एम एंड आर का बेसिक मीनिंग क्या है। तो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज़ एम एंड आर, क्योंकि वो हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम हेल्पिंग वर्ब। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इज से। सो इज को आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है एंड इसके अंदर आता है हमारा ही, शी, इट, दिस एंड दैट। ये आपको लर्न रखना है। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ही इज़ अ बॉय, शी इज प्लेइंग, इट इज़ अ पेन। सो ही, शी एंड इट है तो उन सभी में इज आया है। आगरा इज़ अ नाइस प्लेस, अब आगरा एक प्लेस है, सिंगुलर नाउन है, सो उसके साथ में इज आया है। द डॉग इज बार्किंग, डॉग भी हमारा नाउन है बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ एनिमल, सो इसमें भी हमारा इज आया है। इसी तरह से हम एम को समझेंगे। एम हमेशा बच्चों आई के साथ में आता है, ये आपको याद रखना है। एम कभी भी आई के अलावा किसी और वर्ड के साथ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डांसिंग, आई एम गोइंग, आई एम सेट टूडे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आर के ऊपर। अब आर होता है हमारा प्लूरल नाउन, सो वो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर नाउन के साथ इज एंड प्लूरल नाउन के साथ आर। एम हमेशा आई के साथ आता है। सो प्लूरल नाउन का भी एक बार देख लीजिए, यू, वी, दे, दीज एंड दोज। एग्जाम्पल्स, वी आर ईटिंग फूड, दे आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर नॉट ई। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बच्चों का फिर क्रिएटिव वर्कशीट पर लेकर आएंगे इस तरह की। ये देखिए, आप यहाँ पे इतना कलरफुल देख के बच्चे पहले ही एक्साइटेड हो जाएंगे कि यस, हमें तो ये करना है। तो बच्चों, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ पर आपको जो कलरफुल क्लाउड शेप में पेस्ट किए हुए हैं पेपर, इनके अंदर आपको करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके लिखना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है हमारा इज़। अब इज़ किस किस के साथ में आता है वो आपको एक एक करके यहाँ पर फिल करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे मीना। अब मीना सिंगुलर नाउन है तो मीना आएगा हमारा इज़ के क्लाउड में। नेक्स्ट हमारा वी, वी हमारा सिंगुलर नहीं है तो वी कहाँ पर आएगा? आर के साथ में, बिकॉज इट इज़ अ प्लूरल नाउन। फिर हमारा डॉग्स, डॉग्स भी हमारा अगर वन डॉग होता तो सिंगुलर होता, डॉग्स हैं तो हमारा अगेन प्लूरल नाउन में आएगा आर। तो ये आई है, आई हमेशा एम के साथ में आता है। तो इस तरह से बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेगा और फटाफट से उनको फिल करेगा। फिर इस तरह के, इसके बाद में आप वर्कशीट इस तरह की कराएंगे, ये हमारी टिक द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर इज एम आर। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें आपको देखना है कि अगर करेक्ट इज एम आर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर तो फिर आप टिक करेंगे, और रॉन्ग है तो फिर आप क्रॉस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही आर अ टीचर, सो टीचर इज़ अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन के लिए इज आता है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? आर। सो वी विल क्रॉस इट, ओके। नाउ आई इज़ अ डॉक्टर, आई है और इज है, आई के साथ में हमेशा बच्चों क्या आता है? एम। सो इट विल ऑल्सो रॉन्ग। द फ्रूट्स इज कैप्ड, अब फ्रूट्स हैं सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और उसके साथ में हमेशा क्या आता है? आर। सो इट इज़ अगेन रॉन्ग। शी इज़ अ नॉटी गर्ल, इट इज़ करेक्ट बिकॉज शी हमारी सिंगुलर नाउन है, इट विल बी करेक्ट। वी इज़ गोइंग टू आगरा, अगेन क्रॉस। ही इज़ ऑनेस्ट, इट इज़ करेक्ट, ओके। सो इस तरह से बच्चा ये वर्कशीट करेगा। इसके बाद में आप इस तरह की वर्कशीट करा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप इज एम एंड आर दे देंगे और बच्चों को कुछ सेंटेंस देंगे और उसको फिल अप के फॉर्म में देंगे ताकि वो उसको फिल कर सके करेक्ट हेल्पिंग वर्ब से। लाइक इट डैश माई कार, सो बच्चों क्या आएगा? इट एंड कार, कार कितनी है? सिंगुलर है, दैट्स वाई हमारा इज आएगा, ओके। आई के साथ हमेशा क्या बोला था मैंने? एम आता है। सो इस तरह की वर्कशीट कराइए बच्चों को और आप अपने माइंड से और भी बना सकते हैं।
And if you like my video, then please do like, share and subscribe. Thank you. Bye-bye.